हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? तो नई सुबह के साथ नया ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो आज है दिन है शुक्रवार। और तारीख तारीख कितनी है? तारीख कितनी है? सात। हाँ, तो आज तारीख 7 तारीख है और शुक्रवार दिन है। और अभी समय हो रहा है 10 बजने वाला है। 10 मिनट में, 4-5 मिनट कम है तब हम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी मैं हो गई हूँ तैयार, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ बाज़ार, क्योंकि सामान वामान लेके आना है ना। रुपाई उपाई आ रही है तो निपटा लें भैया। तो अभी तैयार हो गई हूँ। और इनकी तो ड्यूटी थी नाइट की, तो ये इनको मैं ज़बरदस्ती लेके जा रही हूँ कि अभी चलो बाज़ार, क्योंकि शाम को तो फिर शाम ही हो जाती है, बहुत देर हो जाती है, फिर शाम का टाइम फिर ड्यूटी का हो जाता है। तो अभी ज़बरदस्ती इनको लेके जा रही हूँ कि चलो 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 चलो। तो ये सोने लग गए हैं, पर मैं इनको कह रही हूँ 1 घंटे के लिए चलते हैं। तो इनको अभी उठाते हैं। तैयार हो के सो रहे हैं, पहले तैयार हो गए हैं, फिर मतलब पहले ही तैयार हो गए थे कि मेरे से कहते थे चलो। तो मैं कपड़े अपड़े धुलने थे और क्या कहते हैं बर्तन वर्तन साफ़ करने थे, इसलिए मैंने कहा आप थोड़ी देर रुको। तब थोड़ी देर क्या रुको, थोड़ी देर के बाद ये सोने ही लग गए। तो अब इनको उठाते हैं और फिर चलते हैं। और धूप बहुत है, तो धूप के मारे आपको पता ही है कुछ ऐसे ही रहता है बाजार बाजार में। तो कुछ घर के किचन के सामान लेके आने थे, तब इनको उठाते हैं। चलो भैया उठो, निकलते हैं। अभी सारे पर्दे वर्दे यहाँ बंद कर देते हैं, क्योंकि वो धूल वूल बहुत आती है। दरवाज़ा तो है नहीं, ऐसे काम चलाना पड़ेगा। ये हमारा पर्स, मिलते हैं बाद में। हम तो आ गए बाज़ार से। बहुत गर्मी थी भैया, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। किधर गया? हालत हो गई बहुत ज़्यादा ख़राब। क्योंकि समय कितना, 12 बज गया? 12:18। दच्छू सामान देखे, दच्छू खाना खाए है? दच्छू खाना खाने गई थी आज, वो था तेरे लिए इसमें है चीज। पता है इतनी गर्मी लगी ना, आज हम इतना सारा सामान लेके आए हैं, बहुत सारा। ये देख सकते हो, दो झोला भर के। ये दच्छी ले, एक मिनट। एक तो ये तो उसको देना, क्या कहते हैं दीपांशी को देना। मैं भी देना। अच्छा ये एक दीपांशी, एक तेरा, एक सानू का। और ये मेरे ग्रीन, मैं ग्रीन वाला खाऊंगा। एक ग्रीन तेरा, एक दीपांशी का। तुम कौन सा खाओगे? अरे मैं ग्रीन खा लेंगे यार। ये सानू को दे देना, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, सही बताऊँ। बाज़ार में तो कैमरा चलाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि गर्मी इतनी थी और सामान इतना था कि एक हाथ में ये पकड़ना था और एक ये पकड़ना था। अब कैमरा कहाँ से चलता। और आज ना मैं 2 छतरी भी लेके आई, 2 छाता, क्योंकि छाते का टाइम आ रहा है, बारिश भी है, धूप से ही बचने के लिए, बारिश में से बचने के लिए। और तभी कैमरा ऑन नहीं हो पाया है। तो आ जाइए ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने के लिए। अब क्या करें, गर्मी में आइसक्रीम खाना ही हुआ। तो फिर हम जंजीरा वाली आइसक्रीम लेके आए हैं। और ये हम वो लेके आए हैं, देख सकते हैं आप, बताने की ज़रूरत नहीं है। सिंक लेके आए थे, तो यही लेने के लिए गए थे सामान। और फिर भी आधा अधूरा सामान ही आया होगा, क्योंकि छूट जाता है, घर पे आके याद आ पाता है कि कुछ लाना भी है। तो फिर से ही सामान है। और ये खाने पीने का सामान था, हमारे किचन का सामान है इसमें, दाल आल जो भी है। तो फिर आज की शॉपिंग हो गई है। तो हेलो जी, आज नेक्स्ट डे है मेरे ब्लॉग का। फिर कल तो ब्लॉग शूट नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे थोड़ा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, मतलब सर दर्द हो रहा था। तो आज है दिन शनिवार, तो जो बाज़ार गई थी मैं कल गई थी, तो आज दूसरा दिन है। तो सैटरडे के दिन मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो सुबह से मैंने खाना आना बनाया, पर दक्षु की पापा की तो नाइट ड्यूटी चल रही है, पर नाइट ड्यूटी में हम इंतज़ार कर रही थी, कब से इंतज़ार कर रही थी। फिर आज टेंशन हो जाती है ना जब लोग लेट हो जाते हैं, तो 1 घंटे नहीं तो 7:30 बजे पहुँच जाते हैं, 8:30 या 9 बजे वो आए नहीं। तो फिर कॉल वॉल करी, तो मैंने कब फ़ोन करके बता देना चाहिए था, एक्स्ट्रा ड्यूटी चल रही थी उनकी, तो वो अभी पहुँचे नहीं, तो वो शायद एक्स्ट्रा ड्यूटी करके आ रहे हैं, तो आज लेट आएंगे।
तो ज़्यादा बना दिया, मतलब मैंने उनके नाम से ही बना दिया। मैं सुबह ही खाना बना देती हूँ तो उनके नाम से भी चावल रोटी बनाई और चने आलू की सब्जी बनाई, तो फिर अब वो वहीं पे खा के आएंगे तो फिर आज खाना बन गया। तो क्या ही बताएं आप, ऐसे ही है। और सब्जी मैंने चने की ये बनाई थी, चने काले चने की सब्जी बनाई मैंने आज को ये, पर कोई आज ये सारी सब्जी बचने वाली है क्योंकि खाने वाला कोई नहीं है। और यहाँ रोटी भी बना दी थी मैंने, तो अकेले तो मेरे खाने का भी मन नहीं हो रहा है, तो आज खाना बच ही जाएगा। खाना तो मैंने चढ़ाया नहीं था, मैंने कहा चावल तभी बनाऊंगी जब वो आ जाएंगे, अगर चावल बना लेती ना तो वो भी बच जाता। तो दच्चू से मैंने कब से कहा, कह रही हूँ नहा ले, पर उसने कहा मैं बड़ी दीदी के साथ नहाऊंगी, क्योंकि बड़ी दीदी जो उनकी है, जो मतलब मेरी जेठानी की बड़ी बेटी है और मेरी जो भतीजी है, तो वो उससे बहुत प्रेम है उसको, मतलब बचपन से बहुत, बिल्कुल बड़ी दीदी। तो वो मम्मा से मैं नहीं नहाऊंगी, बड़ी दीदी से ही नहाऊंगी, तो वो बड़ी दीदी के साथ ही नहा रही है, मतलब वो नहलवा रही है उसे। और पता है कमरा मेरा बहुत बुरा पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी जो गैस थी ना मेरी, गैस चूल्हा इतना ख़राब हो गया था ना पहले, क्योंकि मिट्टी वाले किचन में जब रखते हैं ना, तो जब हम चौका वौका लगाते हैं तो सारी नीचे मिट्टी लग गई थी, और जो तेल से तो सारा जंग लग गया था, आज घिस के उसको बिल्कुल सफ़ेद कर दिया है मैंने, तो वो बाहर सूख रहा है। तो इस चक्कर में कमरे की सबसे पहले नहीं हो पाई, तो कमरे के हालचाल क्या ही बताऊँ सर। कल का सामान ऐसे ही रखा हुआ है और मशीन के ऊपर सारे सामान ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो ये सब मैं सारा साफ़ करूँगी, बेडशीट सारी ठीक करनी है। मैं सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी सारा काम मतलब रोज़ निपटा लूँगी, पर 11 बारह बज जाता है, उसके बाद तो फिर कुछ करने का मन नहीं करता है मुझे, क्योंकि फिर गर्मी लगने लगती है। मैं सोचती हूँ ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन फिर कुछ नहीं हो पाता है, सारे काम वैसे के वैसे रह जाते हैं। रोज़ सोचती हूँ वो चावल धान गेहूँ रखने वाला जो ड्रम होता है, रोज़ उसका कवर बनाऊँगी रोज़ सोचती हूँ, पर ये इसी चक्कर में ऐसे ही रह जाता है। और जो हमारा गेट है ना, गेट अभी नहीं लग पा रहा है। मैंने पापा को फ़ोन करा था कि गेट लगाने के लिए, तो पापा ने कहा मैं संडे तक फ्री हो पाऊँगा, तो कल वैसे संडे है, तो नहीं तो गेट तो 2-3 दिन पहले ही बन गया है। पहले गेट बनने की दिक्कत हो रही थी, अब देखते हैं कल वो पापा आते हैं कि नहीं गेट लगाने के लिए, तो कल तो गेट लग जाएगा तो थोड़ा और शांति मिलेगी। और क्योंकि ये एक ही काम बचा है जो हमारा रुका हुआ है, और ये काम हो जाएगा तो घर का काम तो कंप्लीट हो जाएगा। घर का काम तो वैसे कभी कंप्लीट नहीं होता है, पर थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए, रुपाई भरे के लिए हो जाएगा, उसके बाद ही देखेंगे जो करना है। तो गेट बस लग जाए हमारा और थोड़ी दिक्कतें कम हो जाएंगी। मक्के तो आपको पता ही, हमारे जानवर खा गए हैं, तो फिर ऐसे ही है यार, सिस्टम बेकार चल रहा है। और सब खेतों में जुताई उताई चल रही है, पर हमारे खेतों में अभी जुताई उताई कुछ नहीं हुई है, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है, ना ही ड्यूटी चल रही है, दिन भर सोने में गुजर जाता है, क्योंकि पूरी रात भर सोना भैया मजाक तो होता नहीं है, सोना नहीं जागना, मतलब नाइट ड्यूटी में रात भर जागते हैं तो दिन में कहाँ जागना होता, कोई काम नहीं हो पाता है, तो दिन भर सोने में हो जाता है और फिर शाम को फिर ड्यूटी जाओ। तो फिर अभी खेत सब जुताई उताई करने को बचा हुआ है, तो अभी खेत भी जुताई करने वाला। इस बार तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा नए तरीके से शुरुआत करनी है, क्योंकि पहले ऐसे काम हमारी जिम्मेदारी हमारे सर पर आई नहीं थी, तो अब खुद के ऊपर आई है, तो इसकी थोड़ी टेंशन खुद को ही लेनी पड़ती है। पहले तो कुछ नहीं, बस जाना है धान लगा देना है, यही कुछ था पहले, ये धना कुछ हमारे सर पे इतनी जिम्मेदारियां नहीं थी, पर समय समय के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। तो फिर इस बार देखते हैं कैसे होता है, और इस बार तो सब आपके सामने ही होगा जो, क्योंकि आपके साथ सब कुछ शेयर किया जाता है, जो भी परेशानियां होती हैं वो भी, कुछ खुशी होती है वो भी। तो इस बार देखते हैं कैसे अपने तरीके से कुछ अच्छा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, पर इतना तो यकीन है कुछ अच्छा नहीं तो कुछ ख़राब भी नहीं करेंगे, कुछ तो करेंगे, अब धीरे धीरे सीख जाएंगे समय के अनुसार। तो फिर अभी मैं थोड़ा काम निपटा लेती हूँ, और आज जो कल का ब्लॉग था पर मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, क्योंकि छोटा सा ही था 2-3 मिनट का, तो मैंने कहा आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ और फिर दूसरे ब्लॉग की तैयारी करेंगे, क्योंकि एक ये भी बड़ा भारी काम है आप लोगों तक ब्लॉग पहुँचाना, क्योंकि ये मेरी जॉब है, अब लोग बाहर रह के करते हैं, मैं घर बैठे करती हूँ, तो ये समझ लो एक बहुत बड़ा काम है, मतलब मुझे करना ही करना है, मुझे ब्लॉग एक भेजना ही डालना है। अब यूट्यूब में काम स्टार्ट किया है तो इसको भी ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, और अब तो इतनी बातें हो गई हैं, मतलब इतने यूट्यूब के चक्कर में आपको पता ही बहुत बातें सुननी भी पड़ गई हैं, और बड़े बड़े
सीन शॉर्ट भी हो गए हैं, तो अब पीछे हटना तो बेवकूफ़ी वाली बात है। जब इतना कुछ होने के बाद ही पीछे हट जाएंगे तब तो कोई फ़ायदा नहीं है। यस स्टार्ट ही नहीं करती मैं, अगर यूट्यूब स्टार्ट ही नहीं करती ना तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी यार, जो भी है। पर अब स्टार्ट करने के बाद अब तो पीछे हटना बेवकूफ़ी वाली बात है। मतलब फिर तो और भी लोग कहेंगे लगे तो बड़े थे और अब देखो आ गए ना उसी जगह में। तो भैया सारे लोगों की बातें नहीं सुननी है, जो काम है अपना करते रहना है। और कोई भी काम होता है बिना फ़ायदे के लिए तो कोई नहीं करता है, आपको तो पता ही है। कुछ फ़ायदा होता है तभी करते हैं, तो फिर कुछ नहीं देखते हैं भैया। जो काम है उसको लगन से करना चाहिए, और कुछ मिले ना मिले आप लोगों का साथ है वही बहुत है। अब इतना पता तो है, इतनी बड़ी 3,500 लोगों की मेरी फैमिली कम नहीं है, कहाँ 2-4 लोगों की फैमिली होती है, कहाँ 3,000 से ऊपर लोगों का सपोर्ट है और साथ है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए। तो फिर आज का ब्लॉग यहीं पे छोटा सा था समाप्त करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो अभी के लिए हमें अलविदा दीजिए, नमस्ते, राधे राधे।